25 जुलाई से सैन डियागो कॉमिक कॉन शुरू हुआ था। बेसिकली ये दुनिया भर के कॉमिक बुक फैंस के लिए साल का सबसे बड़ा इवेंट है। फिल्म स्टूडियो में अपने नए प्रोजेक्ट अनाउंस करते हुए अपने आने वाली सुपर हीरो फिल्म और सीरीज के ट्रेलर लॉन्च करते हैं। मार्वल ने इस कॉमिक कॉन में ऐसी घोषणा कर डाली जिसकी उम्मीद एमसीयू फैंस के लिए नहीं थी। आयरन मैन वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिर से यूनिवर्स में वापसी हो रही है। इस खबर से फैंस खुश भी हैं और निराश भी। एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की मौत हो गई थी। इसी किरदार में मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की नींव रखी थी। इसकी मौत के बाद फैंस ने खूब थ्योरी चलाई, कहा कि उसकी किसी भी तरह फिर से रॉबर्ट डाउनी को वापसी लाना चाहिए। मार्वल के बॉस केविन फाइगी पहले ही कह चुके थे वो उस पल को छेड़ना नहीं चाहते हैं। अगर रॉबर्ट वाले आयरन मैन को वापसी लाते हैं तो फैन को बुरा लगेगा। पूरी फैन सर्विस करते हुए केविन रॉबर्ट डाउनी को वापसी ले आए, लेकिन आयरन मैन के रोल में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रोल में। आयरन मैन विपरीत ये एक विलन है। रॉबर्ट डाउनी के साथ साथ रूसो ब्रदर्स भी मार्वल कैंप में लौट रहे हैं। वह अब रॉबर्ट डाउनी के साथ एवेंजर्स डूम्स डे नाम की फिल्म बनाने वाले हैं, जो कि मई 2026 में रिलीज होगी।